प्रस्तुत है शाला संबलन ऐप का नया वर्जन। इसमें राजस्थान के हमारे शिक्षा अधिकारी के फीडबैक को सुनकर आदरणीय सेक्रेटरी सर और डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में सुधार किए गए हैं। पहला, शिक्षा अधिकारी आवंटित विद्यालयों के साथ साथ अपनी इच्छा अनुसार विद्यालयों का चयन कर अवलोकन भी कर सकेंगे। दूसरा, अब विद्यालय अवलोकन करने के पश्चात आप विद्यालय को संबलन प्रदान करने के लक्ष्य से टिकट रेज कर सकेंगे। इसमें आपके अवलोकन से विद्यालय की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा, अब ऐप पर कक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर अवलोकन के साथ साथ आप MDM, डिजिटल और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी अवलोकन कर पाएंगे। आइए जानते हैं नए संबलन 2 ऐप के मुख्य फीचर्स के बारे में। पहला, मुख्य सुधार विद्यालयों के एलोकेशन प्रक्रिया में है। अब सभी ब्लॉक, जिला, डिवीजन अधिकारियों को टारगेट पूरा करने के लिए अंक अर्जित करने होंगे और वे आवंटित विद्यालयों के साथ साथ स्वयं चयनित विद्यालयों का भी अवलोकन करने के योग्य होंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप देख रहे हैं कि DEO मैम अपने आवंटित विद्यालय को विजिट करने के लिए जा रही हैं। वे वहां पहुंची और उन्होंने विद्यालय अवलोकन पूरा कर एक अंक अर्जित किया। वापस जाते समय रास्ते में एक और पास के विद्यालय में अवलोकन करना चाहा, क्योंकि वो विद्यालय उस माह में किसी को आवंटित नहीं था, तो DEO मैम ने उस विद्यालय का ऐप में दी गई सभी विद्यालयों की सूची में से चयन कर अवलोकन को पूरा किया और उसके लिए एक तिहाई अंक अर्जित किया। दूसरा विजिट खत्म कर, चूंकि विद्यालयों में मिड डे मील का समय हो गया था, DEO मैम ने पास ही के एक विद्यालय में केवल MDM का अवलोकन करना चाहा, तो ऐप के माध्यम से उन्होंने MDM का अवलोकन पूरा किया। महीने के पॉइंट्स टारगेट को पूरा करने की प्रक्रिया को आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में DEO मैम को एक महीने में कुल कम से कम 5 पॉइंट अर्जित करने हैं। इसके लिए उन्हें 5 विद्यालय आवंटित किए गए हैं, 2 MGGS और 3 हिंदी मीडियम स्कूल। पॉइंट्स की गणना के लिए उन्हें निश्चित रूप से अपने दोनों MGGS स्कूल और शेष 3 में से 60% विद्यालय यानी 2 विद्यालयों का अवलोकन करना होगा। इसके बाद वे अपने आवंटित विद्यालय अथवा स्वयं चयनित विद्यालय किसी का भी अवलोकन कर पॉइंट्स अर्जित कर सकती हैं। पहले DEO मैम ने एक आवंटित MGGS विद्यालय का अवलोकन कर एक पॉइंट अर्जित किया, फिर उन्होंने एक स्वयं चयनित विद्यालय का अवलोकन कर एक तिहाई पॉइंट अर्जित किया, फिर उन्होंने अपना दूसरा MGGS स्कूल का अवलोकन पूरा कर एक और पॉइंट अर्जित किया। चूंकि उन्होंने अपना मिनिमम विजिट टारगेट पूरा नहीं किया है, इसलिए उनके अर्जित पॉइंट्स कुल पॉइंट्स की गणना में नहीं शामिल होंगे। इसके उपरांत उन्होंने अपने आवंटित विद्यालयों में से 2 और विद्यालयों का चयन कर मिनिमम टारगेट पूरा किया और उनके अर्जित पॉइंट्स कुल पॉइंट्स की गणना में आ गए। अब वे या तो 2 स्वयं चयनित विद्यालयों का अवलोकन कर अपने 5 पॉइंट्स के टारगेट को पूरा कर सकती हैं अथवा शेष आवंटित विद्यालय का अवलोकन कर टारगेट को पूरा कर सकती हैं। दूसरा मुख्य सुधार टिकट फीचर है। विद्यालय के अवलोकन के उपरांत अब सभी ब्लॉक, जिला या डिवीजन अधिकारी टिकट जेनरेट कर सकेंगे। ये टिकट्स अवलोकन के दौरान विद्यालय में देखी गई समस्याओं को हल करने हेतु जेनरेट की जाएंगी। टिकट्स का समाधान संस्था प्रदान का दायित्व है,
वे टिकट में दर्शाई गई समस्या का समाधान करने के बाद अपने शाला दर्पण लॉगिन पर टिकट रिजॉल्व हो गई है ऐसा चिन्हित कर सकेंगे। अगर समस्या का समाधान संस्था प्रधान के स्तर पर संभव नहीं हो तो वे टिकट को शाला दर्पण पर फॉरवर्ड कर सकेंगे। टिकट का उचित स्तर पर समाधान होने के उपरांत विद्यालय के पीईओ अपने अवलोकन के पश्चात समाधान को संतोषजनक प्राप्त कर टिकट को क्लोज कर सकेंगे। अगर समाधान असंतोषजनक हो तो वे टिकट को रीओपन भी कर सकते हैं। टिकट स्टेटस की मॉनिटरिंग के लिए शाला दर्पण पर रिपोर्ट्स उपलब्ध की जाएंगी। अगर किसी भी खुले टिकट पर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए निदेशक महोदय और सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाएगा। तो आइए क्यों ना हम सब मिलकर नए शाला संबलन 2 ऐप के माध्यम से हमारे विद्यालयों को संबलन प्रदान करें और राजस्थान के हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें। शाला संबलन 2 को गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें।